हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए कि त्योहारों में मीन्स त्योहारों का दिन जब होता है तो हमारा कितना, जैसे कि सुबह सुबह कितना काम होता है। खैर कोई बात नहीं, सुबह मैं देखिए यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ और पहले तो चाय बनाऊँगी क्योंकि चाय हमारा छूटता ही नहीं है। पूजा फेस्टिवल कुछ भी हो तो पहले तो चाय पीना बनता है। तो फिलहाल मैं नहा के आई हूँ और चाय बना रही हूँ, तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो भी होगा नाश्ता वास्ता तो उसको कंटिन्यू करूँगी फ्रेंड्स। तो आज है मकर संक्रांति और हैप्पी संडे भी हमारा है। तो यहाँ देखिए कि मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ दही बड़े, और कोई भी पकवान बने फ्रेंड्स और दही बड़ा ना बने तो ये एक अधूरा सा लगता है। और दही बड़े जो है मुझे बहुत बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद है, हस्बैंड जी को पसंद है, ऑल फैमिली को ही पसंद है दही बड़े। और यहाँ देखिए दही बड़े बन गए थे। मैं फुल रेसिपी को कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सभी चीज़ें मॉर्निंग में करना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ देखिए दही बड़े बन गए थे। तो मैं क्या कि नमक पानी थोड़ा सा खौला करके, मतलब गर्म करके उसको भल्लों को डाल दी हूँ और पानी को थोड़ा सा ऐसे सोक करके निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं बनाती हूँ, पता नहीं सभी लोग अपने अपने आइडिया से बनाते हैं, लेकिन मेरा आइडिया जो है बनाने का बस यही है फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत यम्मी टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए भल्ले काफ़ी अच्छे फुले फुले से बने थे, बिल्कुल स्पॉन्जी से बने हुए थे, बहुत अच्छा सा लगा था मुझे। और सभी भल्लों को मैं निकाल लूँगी वॉर्म वाटर से, उसके बाद गार्निशिंग जो भी हो मैं करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स इधर देखिए कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग का नाश्ता जो है हमारा मकर संक्रांति का वो लग चुका है। तो आज आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी मिलकर एंजॉय करते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार को। और इधर देखिए कि मैं मॉर्निंग से ही लगी हुई थी और इधर सब्जी बना ली थी। और ये देखिए कि जो भी पकवान वकवान जो भी बनते हैं तो ऑलमोस्ट सारे कामों को करने में जो भी है समय बहुत ज़्यादा ही गया हुआ था, लेकिन पूजा फेस्टिवल में यही सब देखा जाता है फ्रेंड्स। खाने पीने की चीज़ें ना बनाओ घर में तो वो भी घर सुना सुना सा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि फेस्टिवल भले थोड़ा सा बिजी जाता है बट कोई नहीं, बच्चे हैं, परिवार है, तो ये सब करना बनता ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कि दही चूड़ा के साथ मैंने सर्व कर दिया है। तो आ जाइए आप सभी फ्रेंड्स, मिलके एंजॉय करते हैं मकर संक्रांति के फेस्टिवल को। और दोस्तों क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल छोटी सी वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। Keep loving, keep supporting. Thanks for watching.